guys, welcome back to my channel, Miss Ashpreet Kaur. So guys, finally मैं अपनी थर्ड समर वेकेशन ट्रिप पर पहुंच गई हूँ. मैं अब ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी, मैं आपको अपनी डेस्टिनेशन है जो रिवील कर देती हूँ. सो गाइज, नमस्ते फ्रॉम जम्मू. सो गाइज, मैं आई हूँ माता वैष्णो देवी मंदिर और सचमुच ये है मेरी आज की आउटफिट. और दो मिनट, पीछे से हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसकी आवाज़ आ गया जाती. सो गाइज, जोर से बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखना जय माता दी. और इस बार इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करनी, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखना और शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो. तो गाइज, अभी मैं होती हूँ थोड़ी देर में आपको होटल का व्यू दिखाने के लिए. रूम टूर करा दिया था मैंने रात को ही, वो आपको भी दिख जाएगा नेक्स्ट पार्ट में. ओके गाइज, बने लीजिए मेरे साथ. Thank you.
थोड़ी ढूंढा नहीं। प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी गाइस, हमारी जो थी ऊपर माता के भवन तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर ऑलरेडी बुक था, बट ड्यू टू वेदर अभी बहुत ज़्यादा फॉग हो चुकी है तो हेलीकॉप्टर की जो राइड है भी नहीं चल रही। वैसे ही हमारा बोर्डिंग का टाइम था वो इवनिंग 4 PM का था, तो चलो देखते हैं, होप करते हैं कि वेदर जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे मेरा बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर में राइड करनी थी। चलो मैं माता से प्रे करती हूँ कि जल्दी से जल्दी अब ये वेदर जो ठीक हो जाए। बाकी बस थोड़ा सा भी मेरा मूड ख़राब था, वैसे भी पता नहीं चलता कब यहाँ फॉग हो जाती है। लाइक पिछले 2-3 दिन से वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। मॉर्निंग में भी सिर्फ हेलीकॉप्टर 2 और 3 बार ही चला, उसके बाद बंद हो गया। चलो अभी थोड़ी देर हम होटल में रुकेंगे, फिर हम देखते हैं। इतनी देर में मैंने काफ़ी ज़्यादा रील्स बना ली और बस सकते हो वेदर की कंडीशन जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इतनी ज़्यादा फॉग हो गई है ना, प्लीज़ आप सभी से ना मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगली बार जब भी किसी ने अपनी ऑनलाइन बुकिंग करवाई है हेलीकॉप्टर की बिल्कुल मत करवाना। मेरे तो यहीं पे सांस फूलने लगी गाइस, पता नहीं आगे क्या बनेगा। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हम हेलीपैड पर पहुंच गए हैं जहाँ से हेलीकॉप्टर चलता है। बारिश की वजह से और वेदर ख़राब की वजह से अभी हमें वेट करनी पड़ेगी। वैसे तो हमारा बोर्डिंग का टाइम है 4 PM, इवनिंग के 4 PM, बाकी हम यहाँ पर पहले जल्दी आ गए थे बिकॉज हमें अपना बोर्डिंग पास और जो यात्रा कार्ड है वो लेने के लिए। अब देखते हैं जब बारिश रुकेगी तब उतरेंगे, फिर वहाँ से जाके अपना कार्ड और सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। बाकी जो होगा मैं आप बने लीजिए मेरे साथ, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाइस। सो गाइस अभी हम हेलीपैड टर्मिनल कटरा पे पहुंच गए हैं, बट आप देख सकते हो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और यहाँ से आपका ये वेरिफिकेशन काउंटर है, यहाँ से हमारी वेरिफिकेशन हो गई और वहाँ से हमें ये अपना ये कार्ड मिल गया ये वाला, ठीक है। वहाँ से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा
और हमारा बोर्डिंग टाइम था 4 बजे का। देखते हैं अभी, बनी रहिए मेरे साथ, देख सकते हो ब्रश और वेदर। सो गाइज अभी हमें मिल चुका है RFID रजिस्ट्रेशन कार्ड और अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे बोर्डिंग पास की, जो हमें मिलेगा 3 o'clock इवनिंग में। और हमारे बोर्डिंग की जो टाइमिंग है वो है 4 o'clock इन इवनिंग। सो हम देखते हैं अभी बारिश रुकती है तो क्या बताते हैं बोर्डिंग होगी कि नहीं होगी। सो बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी, आइए इधर आइए, जय माता दी इधर आइए, इधर आइए आइए, आप कैमरामैन आगे ले आइए। हेलो गाइस, तो मैंने अभी आपको बाहर का सारा दिखाई दिया है कि क्या है, वेदर कैसा है, बारिश काफी ज्यादा हो रही है। बारिश कैसे हो रही है? हमें हमारा RFID कार्ड मिल चुका है, मैंने आपको दिखा दिया। सबसे पहले अपने हेलीपैड टर्मिनल कतरा में जब पहुंचते हो, सबसे पहले आपको यहाँ से जो मैंने यहाँ से जो मेरे पीछे है ना, यहाँ से पीछे आपको दिख रहा है, वहाँ से आपको अपना पहले अपनी आधार कार्ड दिखाना है और अपनी फोटो करा के आपको ये अपना नेम बताना है, पिन कोड बताना है अपने शहर का, दिखा के ना फिर आपको अपना ये कार्ड मिल जाएगा। फिर आपकी हिमालयन या ग्लोबल की ये दो है, ठीक है, जिस दो एयरप्लेन दो हेलीकॉप्टर है दिस कंपनी के। सो इन दोनों की कंपनी में जिसकी भी आपकी बुकिंग होगी वहाँ पे जाना, अपनी टिकट्स की वेरिफिकेशन उस काउंटर पे जाके वेरिफिकेशन कराना, फिर वहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे जाना है, थर्ड नंबर पे, वहाँ पे जाकर आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। ओके गाइस, जय माता दी, जय माता दी। परे परे ऑटो गाइस, ऑटो कितनी तेज स्पीड में आ रहा है। बोर्डिंग पास सारा कुछ हो गया और वेदर भी काफी अच्छा हो गया। सो फाइनली इट्स टाइम टू सिट डाउन इन द हेलीकॉप्टर, आई एम सो मच एक्साइटेड। सो गाइस फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, हमारा वेट हो चुका है, बोर्डिंग पास भी मिल चुका है और वेदर बहुत अच्छा हो चुका है। आप मेरे चेहरे की खुशी से देख ही सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बाकी आप हेलीकॉप्टर्स की क्लिप देख लेना, ठीक है, मेरी निगाह ना भी ऊपर ही टिकी हुई, कब कब हेलीकॉप्टर आया, मैं कब कैमरा चेंज करके आप लोगों को दिखाऊं। आई एम सो मच एक्साइटेड। अभी हम अपने होटल में अपने होटल में तो थे
हेलीकॉप्टर से उतर गई। सॉरी मैं आपको हेलीकॉप्टर में बैठ के अंदर फोन में फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी बोलना, फर्स्ट टाइम थी, डर भी लगा बट चलो ठीक है, फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा था। पायलट थे जो वो भी बहुत कॉपरेट थे, अच्छा लगा। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं भवन की ओर।